अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक ठाक हैं। और आज जो है नौ मुहर्रम का दिन है, और जी मेरे व्लॉग्स जो हैं ये नौ मुहर्रम से स्टार्ट हो रहा है। मैंने नौ मुहर्रम, ये मेरा पहला व्लॉग से जो मैंने दो दिन में कंप्लीट किया, वो क्यों थोड़ी सी बन गई थी मेरे साथ परेशानी, थोड़ी नहीं थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही बन गई थी। कुछ अकेली थी, कुछ अकेला सा फील किया, कुछ हालात और जो आजकल जो है टिकटॉक पे जो और सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ फैला हुआ है। यकीन करें मैंने आज तक टिकटॉक पे के बारे में हो गया या यूट्यूब के बारे में हो गया, व्लॉगर जितने भी हैं एक दूसरे पे बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे सब पता है। मैंने कभी किसी के बारे में बात अपने चैनल पे नहीं की आज तक, आप लोग खुद देख लें मुझे 1.5 साल हो गया मैंने किसी यूट्यूबर के बारे में नहीं की। हालांकि कुछ यूट्यूबर अच्छे भी हैं और कुछ ठीक भी हैं, हालांकि मुझे भी पता है मैंने कभी उनकी सफाइयां भी पेश करने की वो नहीं की कि मैं सिर्फ अपने कंटेंट को लेके जा रही हूँ इस टाइम। और आज जो है मैं आप लोगों से बात जो करने जा रही हूँ, और मेरा दिल बहुत ही उदास था और मैंने सोचा आप लोगों से ये बात शेयर कर लेती हूँ। और जो सी मतलब सिस्टर हमारी मुल्तान से जो हैं जिनको मतलब कत्ल किया उनके हस्बैंड ने, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि उसे जो है आज टिकटॉक पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, हर जगह पे जो है उनकी बातें हो रही हैं और लोग अफसोस तो कर रहे हैं कि उनका इंतकाल हुआ, उनके हस्बैंड ने उनको मर्डर किया, उनके 3 बच्चे थे, मतलब प्रेगनेंट भी थी, 2 उनके छोटे बेटे भी थे। तो मैं बात ये करना चाहूँगी, चलें जी जो वफा अपने घर के साथ करता है ना उस औरत के साथ तो कुछ ऐसा ही है, माशा हमारा जो है ना तो वो ऐसा ही कुछ करता है। जो औरत अपने घर के साथ वफादार होती है या उनका मर्डर ही होता है, और या उसको जो है दुनिया वाले जीने वैसे नहीं देते, या वो अपने फैमिली के साथ अगर खुश रहती है, बच्चों के साथ खुश रहती है, तो अपनी जो रिश्तेदार हो गई ये दुनिया हो गई फिर जीने नहीं देती। और अगर वो खुश नहीं है तो उसके साथ जो ये होता है वफादार औरत के साथ तो कत्ल ही होता है, ठीक है। और अगर मर्द वफादार है उसकी औरत जो है वफादार नहीं होती, और बच्चे भी हों तो वो औरत घर छोड़ के चली जाए, उस पर तो आज तक किसी ने बात नहीं की। तो मैं यही कहना चाहूँगी, तो उस पर तो कभी मर्द ने ये नहीं कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो वो क्या है कि औरत के हाथ में। और आज मैं टिकटॉक पर एक सिस्टर की वीडियोज़ देखती, वो टिकटॉकर है काफ़ी वायरल हैं, तो वो ये बात कर रही थी टिकटॉक पे कि भाई बाहर मुल्क वालों में तो असूल किया जा रहा है, तो बाहर मुल्क में जो असूल है कि औरत जो है 9 बंदों के साथ बैठे, 10 बंदों के साथ बैठे, कि बाहर मुल्क में ये असूल है कि उसको जो उसका मर्द जो है कुछ नहीं कह सकता, अगर कुछ कहता भी है तो बाहर की पुलिस उसको पकड़ लेती है। मतलब कि वो कानून बहुत अच्छा है, हमारे पाकिस्तान का कानून अच्छा नहीं है। तो चलो ठीक है, पाकिस्तान में आप सिस्टर बताएँ कि मुझे कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा, औरत की ही मर्ज़ी चल रही है इस टाइम, और औरत के जब दिल चाहे अपना घर छोड़ सकती है, औरत का जब दिल चाहे अपने बच्चे छोड़ सकती है, औरत को क्या आज़ादी नहीं मिली हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी होने के बावजूद इतनी पाकिस्तान की बुराई की जा रही है। अवाम के पास थोड़ा सा क्या पैसा आ गया, क्या बाहर मुल्क इन्होंने घूम लिया है और पाकिस्तान की बुराई और बाहर मुल्क की ये तारीफ ही कर रहे हैं। इस्लामी कल्चर को ये लोग पसंद नहीं करते, बाहर वालों के जो है इनको मज़हब बहुत भी पसंद आते हैं, पाकिस्तान में हमारे इस्लाम में जो है तरीक़ाकार वो इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। जब औरत का दिल जाता है अपना घर छोड़ देती है, अपने बच्चे छोड़ के चली जाती है, अब खुद देखे इस चीज़ पे टिकटॉक सोशल मीडिया इस टाइम फुल है, इस टाइम आए दिन कोई ना कोई बात होती है, आए दिन कोई ना कोई बात होती है कि 3 बच्चों को औरत छोड़ के चली गई है, अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई है और मार के चली गई है, मतलब आए दिन ये बातें होती हैं। ये पाकिस्तान में औरत को आज़ादी नहीं तो क्या दिया गया, तो बाहर मुल्क में यही आज़ादी है ना, बाहर मुल्क वाला ही तो माहौल अपने पाकिस्तान में इन लोगों ने बना दिया है। जब मर्द तंग आता, जब देखता है कि मेरी औरत किसी और के पास चली गई है, तो वो बेचारा अपनी इज़्ज़त को देख के इसी वजह से तो वो तलाक देने पर मजबूर हो जाता है। इतना तो इतना कि दुनिया में कि तलाक भी नहीं लेते फिर भी शादी करके बैठ जाती हैं और दूसरे घर में और दूसरों के घर आबाद कर रही होती हैं, और अपने उन बच्चों को भी नहीं देखती जो हमारे छोटे छोटे भी बच्चे हैं पीछे। आज वो दौर जो है क़यामत की निशानियां नहीं है, तो क्या अब भी कहते हैं कि हमें बाहर मुल्क के असूल रोल वो पसंद है, अपने पाकिस्तान के बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर यही हमारे पाकिस्तान के रूल अगर सख्त होते ना, आज कोई औरत उठ के किसी का घर बर्बाद करके किसी और का घर आबाद ना कर रही होती, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में औरत को अपना घर लगता ही नहीं है, वो समझती है कि हम किसी मर्द पे एहसान कर रहे हैं, अपना घर क्या आप दूसरों का घर बसा रहे हैं। और जब चाह दिल
किया, छोड़ कर चली गई और दूसरों का घर बसाने लग गई। आज आप घर घर में देखें, ये घर घर की कहानी बन चुकी है। और हम लोग जो हैं पहले इस टाइम जो है किसी को हम लोग वैल्यू ही नहीं करते थे, ऐसे लोगों को इज्जत ही नहीं देते थे, और आज हम लोगों ने ऐसी औरतों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ। ये बाहर मुल्क की आज़ादी नहीं है तो क्या है? अब भी बाहर मुल्क इनको चाहिए, बाहर मुल्क ही तो अपने पाकिस्तान को इन्होंने बना दिए। एक घर नहीं, दो घर नहीं, तीन घर नहीं। अब यकीन करें, पहले औरत होती थी तलाक याफ्ता होती थी, पहले एक दाग लगता था, धब्बा लगता था कि हाँ भाई तलाक याफ्ता की मतलब उससे शादी करें, उसके बच्चे, मतलब इतनी बातें हुआ करती थी। और अब यकीन करें कि आदमी दो शादियां कर लें, तीन शादियां कर लें, कोई फ़र्क ही नहीं लगता। इतना तो इतना कि उनके अगर बच्चे भी हैं ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं कि नहीं भाई, हमारे तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो सिर्फ मर्द के होते हैं। पहले ज़माने के भी लोग थे, यकीन करें घर जो है टूट भी जाते थे। औरतें जो हैं अपने उन बच्चों के पीछे अपने, यकीन करें, शादियां नहीं करती थी, अपने उन्हीं बच्चों के साथ गुजारती थी। और अब जो है सिर्फ उन माओं को सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, अपनी आयाश और आराम के लिए, और यकीन करें कुछ चंद पैसों के लिए अपने घर तोड़ के, अस्ते बस्ते घर तोड़ के, और मतलब नई और शादी कर लेती। उनके लिए बहुत ही आसान है। तो ठीक है, औलाद तो अल्लाह पाक दे देता है, बच्चे दे देते हैं, पर उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों को हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। और हमारा घर, देखें घर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, पर इज़्ज़त नहीं मिलती इंसान को गई भी। पर ये चीज़ कोई बात, कोई लोग समझते हैं, कोई लोग ये नहीं समझते। हमारे माशरे में ये चीज़ जो है बहुत आम होती जा रही है, बहुत ही आम होती जा रही है, और लोगों को अब बुरी भी नहीं लगती ये बातें। क्यों से जब आम हो जाती है ना बातें, ये कहते हैं ये तो भाई घर घर की कहानी है, हम इस टॉपिक को क्यों उठाएं। तो आज मेरा दिल इस बात पे बहुत ही खफा था, और मैंने जब वाक्य वो देखा है, और मैंने उनकी वालिद की जब ये बातें सुनी हैं कि कुछ कहीं कसूरवार हम लोग भी हैं, अपनी बेटी का कसूरवार, मतलब मैं ख़ुद भी हूँ कि मैंने अपनी बेटी की 16 साल में जो है शादी की है। तो देखिए पहले टाइम भी तो 16 साल में, 14 साल में हमारी सास, हमारी माएँ कहती थी हमारी कम उम्र में शादी हुई है, जिस तरह भी मतलब हमारी उनकी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी, तो वो गुजार जाते थे, दुख सुख हर चीज़ दुख सुख बर्दाश्त करती थी। पर चलें जी, उनकी बाप की बहुत अच्छी तरबियत थी, चलें जी उन्होंने हर चीज़ दुख तकलीफ़ बर्दाश्त की है, पर ये माशा हमारा बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है, यकीन करें। और वो यही कह रहे थे कि देखें जी, आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो अपने बच्चों के लिए दरवाज़ा खुला रखें, और अगर आपकी बेटियों के भी अगर ऐसा कुछ है तो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। और आप जहाँ तक मुझे देखें, मेरे तो भाई जीते जी मेरी माँ जिंदा, हालाँकि कहते थे कि मैका जब से माँ से ही होता है, एक माँ से मैका होता है, और जब माँ ही कह दे कि भाई कह दे कि हमारे जीते जी, अभी तो ये ज़िंदा हैं, और अभी से कहते हैं कि मतलब कि हमारे जीते जी जो भाई कुछ भी हो जाए हमारे घर में दाखिल नहीं होना, तो ये क़यामत की निशानियाँ तो क्या और क्या हैं। पहले तो टाइम थे, अब भी वो दुनिया है, यकीन करें। बहन भाई इतने अच्छे हैं, एक दूसरे पे जान देने को भी तैयार होते हैं, यकीन करें। ऐसे माँ बाप की तरबियत होती है कि माएँ कहती हैं जब तक हम जिंदा हैं हमारी औलाद को कोई नहीं रोक सकता। और अब तो जान देना तो देना, लेने को तैयार हो गई हैं, ऐसा दौर आ गया है। और अब माँ बाप भी कुछ भी नहीं करते, बस जो हैं कहते हैं बस ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। और मतलब हुकूमत तो हुकूमत जहाँ तक रह गई, हमारे घर में जब हमारे जो हैं सरबराह हैं वो ही ठीक नहीं होंगे तो भाई घर कैसे चलेगा, कैसे जो है हम अपनी औलाद पर सख्ताई करेंगे। पहले दौर में बेटियाँ होती थी, दुख होता था, सुख होता, कुछ भी होता था, कहते थे बेटी मतलब कि आप लोगों के साथ कुछ भी है, अल्लाह पाक अच्छा वक्त ज़रूर लाएगा, आज बुरा वक्त जो टल जाएगा, आप सब्र से काम लें। मतलब माँ बाप जो होते थे तसल्लियाँ देते थे, और आजकल के दौर में कहते हैं भाई चलो भाई हमारी बेटी को तकलीफ़ है, ससुराल में फ़ोन करके कह रहे होते हैं भाई आपकी बेटी को मतलब कोई ना कोई इशू, छोटे छोटे जो है मतलब चल रहे होते हैं मसले मसाइल, पर इस तरह भी करना बहुत ही गलत बात है। और जहाँ पे जो है बेटियाँ एडजस्ट कर जाती हैं घरों में, वहाँ पे जो है माओ का भी कोई ना कोई पीछे हाथ होता है फ़ोनों पे, या कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके वजह से घरों में छोटे छोटे मसले जो हैं बने रहते हैं। और जहाँ पे जो है अगर बेटी खुश है, सब कुछ ठीक है, वहाँ पे जो है माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो पता नहीं हमारे माशरे में आजकल भाई क्या चल रहा है, और बस जी अब क्या कर सकते हैं।
آج کل ہم لوگوں میں صبر ہی ختم ہو چکا ہے اور بس ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ ان میں ہی جب صبر ختم ہو گیا تو ہم اولاد اپنے آپ بچوں کو کیا سکھائیں گے، تربیت کیا اچھی دے پائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو ہم لوگ سیکھیں گے وہی اپنی اولاد میں ہم لوگ کنورٹ کریں گے۔ اور میں تو یہی کہتی ہوں کہ بھائی جو ہم لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں اگر جو ہے ہم لوگ بچپن میں کرتے تھے نا، اگر تو ہم لوگ چیز لینے جانے کے بہانے کے ہم لوگ جا کے کھیلنے لگ جاتے تھے، اور اس طرح کے مطلب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ ہماری اولاد جب ہمیں بچے کہتے کہ نا ماما ہمیں چیز لینی ہے تو ہمیں فوراً پتہ لگ جاتے نہیں بھائی آپ لوگ ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، آپ جا کے کھیلو گے کیوں، وہ ہم سے وہ مطلب آنکھوں سے یا ہم لوگوں سے وہ وقت گزر چکا ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اپنی غلطیوں کو سیکھ کے ہی آگے چلیں، اور ہم اپنی غلطیاں کہاں سے سدھار سکتے ہیں، وہ غلطیاں ہم اپنی اولاد سے ہی سیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے اللہ نے دیا ہے، اور اس میں ہماری بہتری ہے کہ اسے آج جو ہم لوگ وقت سے لڑ رہے ہیں ہمیں تو سب پتہ ہے پر ہماری اولاد کو نہیں پتہ۔ آج کل کا دور بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، یقین کریں۔ خاص طور پہ اب تو بیٹے تو بیٹے بھی سیفٹی نہیں ہیں، اور بیٹی تو پھر بھی نازک بیٹیاں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس دور میں جو ہے اس معاشرے میں نا یقین کریں کسی انسان کو کسی حال میں نہیں جینے دیتے، کسی حال میں نہیں جینے دیتے۔ اور جہاں تک میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بھئی ہم لوگ خوش رہتے ہیں، کیا ہمارے ساتھ پریشانیاں نہیں ہیں، کیا میرے ہسبینڈ کو نہیں ہے یا مجھے نہیں ہے، میں کس دور سے کس وقت سے گزری ہوں، نہ یقین کریں میں نے آپ لوگوں سے کبھی بات شیئر نہیں کی۔ اور ایسی باتیں کہ جس میں مطلب کہ مطلب بات کرنی بھی ہو تو پھر بھی آپ لوگ مجھے ہی قصور وار کہیں نہ کہیں ٹھہراؤ گے، پر کہتے ہیں نا جس پہ گزرتی ہے پتہ اسی کو ہوتا ہے، پر جی میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دی، اللہ وقت اچھا وقت اور اچھا ٹائم ضرور لائے گا۔ اور ہم میرے پہ بھی بہت سارے وقت ایسے آئیں، میں نے بہت سارے پریشانیاں بہت سارے وقت کاٹے۔ تو میرا رشتہ جو میرے ابو نے کیا تھا اس ٹائم بھی میرے ابو نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیٹا آپ جو ہیں اگر روئیں گی کل کو یہ وقت آئے گا آپ پر اور آپ میری قبر پہ آ کے روئیں گی۔ اور یقین کریں آج 9-10 محرم تھا، میرے ابو کی 7 محرم کو برسی بھی ہوتی ہے، اور کوشش یہی تھی کہ ابو کی برسی پہ کچھ نہ کچھ جو ہے بانٹوں گی کروں گی، پر وہ میں نہیں کر سکی۔ اللہ پاک مجھے توفیق دے، انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جو ہے سال ابو کی برسی میں خود کروں گی، مجھے نہیں پتا کہ امی اور انہوں نے گھر میں کی ہے یا نہیں کی۔ تو بہرحال اللہ وقت اچھا لائے گا، اور یقین کریں اب رونا بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، ابو کی باتیں بھی یاد آتی ہیں، اور قبرستان نہیں جا سکتی کہ اسے جو ہے میرے ابو مجھے کہتے تھے کہ بیٹا قبرستان جو ہے میرے ابو کو جانا مطلب پسند نہیں تھا۔ جب سے میرے ابو کا انتقال ہوا میں 1-2 بار گئی ہوں، اور اس کے بعد پھر نہیں گئی، اسی وجہ سے کہ ابو کو جانا اچھا نہیں لگتا تھا اور میں ابو کی قبر پہ کیسے جاؤں۔ تو بس جی اللہ پاک میرے ابو کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، میں ابو کی باتوں پہ اور صبر کر کے اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے ہسبینڈ ٹھیک ہیں۔ اور سسرالی مسئلے تو بہت سارے ہوتے ہیں، تھوڑے بہت وہ آپ لوگوں سے کبھی شیئر کروں گی۔ تو بس جی میں آج آپ لوگوں سے کافی ساری اپنی دل کی باتیں آج کہہ گئی ہوں، اور آج جو مجھے بہت ہی مطلب موڈ میرا آف تھا، اور میں یہ 2 دن کا میرا ولاگس تھا، میں نے تھوڑا تھوڑا اور میں تو پہلی مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا، میں نے 2 دن کا ولاگس اکٹھے شوٹ کیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ 1 دن کا ولاگس ہوتا تو 1 دن میں ہی کلیئر کر لیتی تھی میں، اور اس دفعہ 2 دن کا اس لیے کہ تھوڑی سی پریشانی تھی، اور گگو کا آپ لوگ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا سر بھی پھٹا ہے۔ تو اس ویڈیو کا یہیں پہ کرتی ہوں اینڈ، کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔